मोमेंटम से जिनके हदायत पे और जिनकी सरबराही में आज का ये कामयाब प्रोग्राम हो सका। इंटरनेशनल योगा डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, एंथम के लिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए। सबसे पहले हम नेशनल एंथम जो है वो पेश किया जाएगा। रखें, धीरे से वापिस आ जाएं, के साथ टच करने का प्रयास करें कि आपकी चीन दाएं पांव को उठाएं, बटक के नीचे रखें, लेफ्ट पांव को मोड़ें, लेफ्ट बटक के नीचे रखें, पांव के पंजे पीछे से खुले हुए, हथेलियां घुटनों पे, कमर सीधी, नजर सामने की तरफ रखें, पेट की अतिरिक्त चर्बी को दूर करें। इसमें हमारी श्वास का गुंजन करें। ज्योति केंद्र के बीच में ध्यान केंद्रित करें। श्वास की गति सामान्य रहे, गुरु विचारों को छोड़ दें। आप पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं, नेगेटिव विचार दूर हो रहे हैं, कंसंट्रेशन और मनोबल बढ़ रहा है। आईज को क्लोज ही रखें, दोनों हाथों को यहाँ पे डिफरेंट को योगा डे पे भारत का बॉर्डर जिला जम्मू कश्मीर में जिला पुंछ में आज जहां हमने यहां के डिजिटल डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन, यहां के डिप्टी कमिश्नर, यहां का ऑफिशियल्स, यहां का सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहां स्टूडेंट्स, यहां ऑफिसर्स, हम सब ने मिल के आज यहां अर्ली मॉर्निंग में मैंने देखा कि इतना उत्साह था 5:30 बजे और पूरे देश में ये मनाया जा रहा है और ये हमारी तहजीब से ये हमारी मिक्सर जो हमारी तहजीब है, हमारा तमद्दन है, हमारी जो संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरी दुनिया में योग्यता दी है और यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया इसको मानती है। और अगर हमारे बुज़ुर्ग तंदुरुस्त होंगे, नौजवान तंदुरुस्त होंगे, बच्चे तंदुरुस्त होंगे और भारत तंदुरुस्त होगा। और भारत ने ये आज मैसेज दिया है कि पूरी दुनिया तंदुरुस्त होगी और इसको हमने अपनाना चाहिए। और इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में सेलिब्रेट किया। यहाँ पर सभी स्पोर्ट्स पर्सन, सभी स्कूल के सभी बच्चे आए हुए थे। हमें रोज़ योगा करना चाहिए, योगा हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आज हम सब ने यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट किया। मैं आपको बताता चलूँ, हज़ारों की तादाद में यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो किसी भी गेम से बिलोंग करते हो, टाइकंडो, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट और डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स यहाँ असेंबल हुए और डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे भी यहाँ असेंबल हुए। पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मौजूद थी, ऑनरेबल डीसी साहब, डीडीसी चेयरपर्सन, ऑनरेबल एमपी साहब और सब ने यहाँ मिल के योग किया। योग हमारी जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है और मैं आपको बताता चलूँ, अगर हम योग करेंगे तो हमारे जितनी भी बीमारियाँ हैं उनसे दूर रहेंगे।
तो मैं इस इंटरनेशनल योगा डे पर सबसे यही आग्रह करूंगा कि कम से कम आधा घंटा ज़रूर आप योग करें, और योग करने से हमारी बॉडी फिट रहेगी। और आपके माध्यम से मैं सबको इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से भी पूरे भारतवर्ष को और पूरे वर्ल्ड को इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू। जय हिंद।